ये प्लान है कि जैसे हमारा 4 दिन का इवेंट रहेगा, तो उन 4 दिनों में मैंने कुछ कुछ सोचा है, जैसे रक्त बीज, महिषासुर, इनका मैं सोच रही हूँ देवियों के साथ एक्ट करने का, ऐसा मेरा प्लान है। अब देखते बच्चे जैसे सपोर्ट करेंगे वैसा करूँगी। और जैसे कि सर ने बोला, तो जो हमारा बुंदेलखंड का नौरता डांस होता है, एक सुरहटा राक्षस से बचने के लिए छोटी छोटी कन्याएं इस व्रत को किया करती थी, तो अभी जस्ट मैं मेरे दिमाग में आया कि उस प्रस्तुति को हम दिखा सकते हैं, हमारे बुंदेलखंड का डांस है। और ये सर विष्णु पाठक जी की वजह से आज हम लोगों को इस बारे में, आप लोग ने शायद सुना होगा, नौरता डांस होता है, सर पे मटकी लेके कन्याएं इस डांस को करती हैं, तो हमारे बुंदेलखंड का है, तो मैं इसकी प्रस्तुति करूंगी, अभी जस्ट मैं मेरे दिमाग में आया है। और गरबे में भी अभी मैंने जो लास्ट ईयर सिखाया था वो गरबे का एक फॉर्म था दोड़िया, इस बार मैं दोड़िया के साथ इसको क्लासिकल फॉर्म में लेकर आऊँगी, जो हमारा कथक से रिलेटेड रहेगा। एक हुडियो रहेगा वो जो पैरों के साथ किया जाता है, हाथ के साथ के लिए उसकी कुछ एक्शन पैर के साथ होते हैं, एक चक्री होगा उसमें चक्कर वाला पूरे स्टेप्स रहेंगे। और थर्ड हमारा लास्ट रहेगा टिंडोरा, टिंडोरा एक गुजरात का डांस फॉर्म होता है, उसको इस बार मैं सिखाऊंगी सभी लोगों को। और डांडिया तो रह ही गई, इसके साथ देखते हैं जैसा मुझे सब बच्चों का सपोर्ट मिलेगा। कोशिश तो मेरी यही है कि जो मैंने अपना ये सिलेबस बनाया है ये मैं कंप्लीट कर पाऊँ बच्चों के साथ।